और गैंग कैसे हो तुम लोग। मतलब इन दिनों में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपके पेरेंट्स आपको गेमिंग कैसे करने देते हैं, मतलब गेमिंग में इतना सपोर्ट कैसे करते हैं। बात तो सही है यार, वैसे भी एग्जाम टाइम्स में ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। तो तुम लोग एक बगल में खाली चेयर देख रहे हो, यस, मैंने सोचा कि मैं इसका आंसर क्यों दूं, मैं अपने मम्मी को ही बुला लेता हूँ ना। यस, आज हम लोग अपने मम्मी का ही फेस रिवील करेंगे। तो मम्मी, मम्मी यहीं पे, आइए आइए, आपके लिए चेयर लगाया। हेलो एवरीवन, जैसा कि तुम लोग पूछ रहे थे तो मैं मम्मी को पूछता हूँ। मम्मी आप बताओ कि आपने मेरे को और दीदी को हम लोग को गेमिंग क्यों करने दिया? गेमिंग क्यों करने दिया? गेमिंग तो इसलिए करने दिया कि मैं पढ़ाई तो तुम लोग कर ही रहा था, तो पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग भी जरूरी है। और गेमिंग क्या एंटरटेनमेंट देता है और दिमाग को भी फ्रेश रखता है, एक्टिव रखता है दिमाग को, इसलिए मैंने आप तुम लोग को गेम भी करने दिया। पढ़ाई तुम लोगों ने खूब किया ही है यार, तुम लोगों ने सुन ही लिया, गेमिंग तो जरूरी है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा ही है, एक्टिव भी रखता है दिमाग को। लेकिन तुम्हें आपको पता है गेमिंग डिमेंशिया को भी डिले करता है? यस, रिसर्च के मुताबिक गेमिंग, सोशलाइजिंग और फिजिकल एक्टिव रहने से ना डिमेंशिया को हम लोग डिले कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये भी मानता हूँ गेमिंग हमें ही क्या, हमें अपने एल्डर्स के साथ भी खेलना चाहिए, जिससे वो भी थोड़ा सोशली कनेक्टेड रहे, थोड़ा मेंटली शार्प रहे। चलो मम्मी, मेरा फोन यहीं पे है, हम लोग थोड़ा गेम खेलते हैं। ठीक है, मैं गेम खेलने के लिए रेडी। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। मैं आज एक मूवमेंट का हिस्सा बनने वाला हूँ जिसे गेमर्स फॉर डिमेंशिया अवेयरनेस मूवमेंट कहते हैं, जो MPL, डिमेंशिया इंडिया अलायंस, वृद्ध केयर, कहा माइंड, EPWA ने एल्डर एड ने शुरू किया है। इसका गोल है डिमेंशिया के बारे में अवेयरनेस फैलाना और इसका थोड़ा नॉलेज गैप कम करना। लेकिन मम्मी, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही सीरियस बात बताना चाहता हूँ। क्या बेटा? मैंने एक न्यूज देखी थी जिसमें एक ओल्ड एज पर्सन घर से बाहर निकले थे और 5 दिन बाद वो मरे हुए मिले। उन्हें डिमेंशिया हो गया था और वो अपना खाना खाना भूल गए, पानी पीना भूल गए, मतलब सोचो वो डिहाइड्रेशन से ही मर गए। ओहो, ये तो सुनने में बहुत ही डरावना है। वही तो मम्मी, सोचो 5 दिन तक घर से गायब थे यार, ये सुनने में ही बड़ा ही डरावना है। ये तो उनके और उनके परिवार के लिए बहुत ही खराब दिन रहे होंगे। वही तो, इससे हमें पता चलता है कि मेमोरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब से हमें सड़क पे कोई भी ऐसा दिखेगा ना जो हमें लग रहा होगा कि रास्ता भूल गए हैं या फिर कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हुई, तो हम उनकी जरूर हेल्प करेंगे। हो सकता है वो भी सेम डिमेंशिया प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। तो चलो हम लोग प्लेज लेते हैं आज। पहले तो हम लोग अपने एल्डर्स के साथ काफी टाइम स्पेंड करेंगे, डिमेंशिया के साइंस को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और उसमें हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे अपने एल्डर्स को। अपने एल्डर्स को हर नेसेसरी सपोर्ट करेंगे जब वो रिस्क पे होंगे। अपने एल्डर्स को मेंटली, फिजिकली और सोशली एक्टिव रखने में पूरा हेल्प करेंगे और अपने एल्डर्स को ऑनलाइन गेमिंग में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मम्मी, आज इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए मैं सारे प्लेज लेता हूँ और मैं ऐसे ही हमेशा अपने एल्डर्स के साथ क्वालिटी टाइम दिखाऊंगा। तो चलो मम्मी, पहले हम लोग ये गेम खेलते हैं और अपने कॉग्निटिव वेलबींग को भी बढ़ाते हैं और डिमेंशिया का अवेयरनेस भी प्रमोट करेंगे। यहाँ पर आपको गोल करना है, ये अपना ओपोनेंट है, ये हम लोग हैं और ये मैच हो गया स्टार्ट। ओके, यस, हाँ, ये हम लोग ये वाले हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग को बॉल आ रही है, वो बॉल डालेगा। अरे कोई नहीं कोई नहीं, ये हम लोग, यहाँ बॉल आ गई, क्या बात है, क्या किक मारो, उछल उछल और किक मारना इस बार, अभी थोड़ा आगे बढ़ो और ये देखो यहाँ से आगे बढ़ो, हाँ, और पीछे जाओ, वो देखो यहाँ से, बहुत बढ़िया।